गाइस आप सबको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सबकी दिवाली मंगलमय हो, मैं ऐसी कामना करती हूँ। एंड जो भी छोटे बच्चे हैं वो फटाकों से दूर रहें, क्योंकि फटाके आजकल पता नहीं कैसे कैसे आ रहे हैं, तो थोड़ा सा ध्यान से सावधानी से रहें। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, खम्मा गणिसा, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, बहुत ही अच्छे होंगे। तो अभी मैं थोड़ी सी बेटर हूँ गाइस, बस थोड़ी सी वीकनेस फील हो रही है। तो अभी मैं और चंसा, चंसा क्या पैसे के पैसे गिने जा रहे हैं? इतना पैसा कहाँ से आया आपके पास? कोई गाइस कोई पैसा नहीं है, 100-200 के नोट है, और वो भी है ना अभी ये पता नहीं क्या डिमांड कर दे, तो कैश भी लेके चलते हैं, क्योंकि ऑनलाइन में कई बार इशू आ जाता है। फेस्टिवल का है, सर्वर वगैरह ज्यादा रहता है, बैंक में टेक्निकल इशू आ जाता है, तो कैश भी ले चलते हैं। छोटे मोटे आदमी है, ऐसे मत सोचना कि बहुत धन्ना सेठ है। तो गाइस थोड़ा बहुत क्या दिवाली का सामान लाना है, मैं इनको बोल रही हूँ आप ही ले आओ, मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं है बाहर जाने की, लेकिन ये नहीं मान रहे हैं। मैं नींद में भाई, गृह लक्ष्मी बिगर क्या लेके आएंगे आप बताओ? अब मैं तो क्या जानता हूँ, मैं तो जो चीज दिखी वो उठा लाऊंगा। हाँ, तो फिर मैंने सोचा कि चलो चल लेते हैं और दोनों ले आते हैं जो भी चाहिए दिवाली के लिए। तो देखते हैं क्या लेके आते हैं, स्पेशली दिए वगैरह है वो लेके आएंगे। बाकी सच में दिवाली के बाद में बीमार होती, मेरे को कोई दुख नहीं, लेकिन दिवाली से पहले क्यों हुई मैं? ये मुझे थोड़ा हर्ट कर रहा है कि दिवाली से पहले नहीं होना चाहिए था मेरे को। और पता नहीं उन्होंने इंजेक्शन वगैरह दवाइयां ऐसी दी है कि बस मेरे को नींद ही नींद आ रही है। थोड़ा सा काम करती हूँ फिर वापस नींद आ जाती है, फिर उठ के थोड़ा काम कर लेती हूँ फिर नींद आ जाती है। तो मेरे साथ ये नींद पता नहीं क्यों, इतनी नींद कैसे आ रही है। मैं इनको भी बोल रही हूँ कभी डॉक्टर ने मुझे नींद वाली दवाइयां तो नहीं दी है ताकि अच्छे से रेस्ट करे। तो बस अभी ना मैं चाहती हूँ, दवाई में क्या है मॉर्फिन वगैरह होता है, अभी समझ रही नहीं है, अल्कोहल वगैरह होता है। मैं सोच रही हूँ जल्दी से जल्दी मैं ठीक हो जाऊं ताकि दिवाली अच्छे से सेलिब्रेट करूं। बहुत सोच रखा था ऐसे करूंगी ऐसे करूंगी, दिवाली पे खूब सारी वीडियोस बनाऊंगी। लास्ट टाइम मैंने दिवाली पे इतनी वीडियोस बनाई थी, बहुत वीडियोस बनाई थी दिवाली पे, बट कोई नहीं है। पहला सुख निरोगी काया, तो काया सबसे निरोगी रहनी चाहिए। तो चलिए अभी चलते हैं मार्केट में। तो गली में सबने अच्छे से रोशनी कर रखी है, इनके पता बिल्कुल सेम लग रहा है, इनका घर एकदम सेम लग रहा है। बच्चे फटाके वगैरह छोड़ रहे हैं। वंश किधर है? वंशु आओ, हमारे प्लांट्स ज्यादा है, प्लांट्स की वजह से रोशनी नहीं दिख रही गाइस। ये हमारे घर की रोशनी है, चंसा ने और वंश ने मिलके करी है। एंड गाइस आप देख सकते हो वैशाली नगर में कितनी अच्छी अच्छी रोशनी कर रखी है, वीडियो से भी ज्यादा देखने पे बाई फेस बहुत ही अच्छी लग रही है। ये अग्रवाल केटर्स की है। एंड अभी आपको और भी दिखाती हूँ छोटी दिवाली पे, कल और भी हो सकता है, ज्यादा लोग और भी करेंगे। एंड यहाँ पे भी काफी अच्छी रोशनी कर रखी है उन्होंने। हाँ, आज वो आ चुके हैं। तो गाइस देख सकते हो वैशाली नगर में सब लोगों ने बहुत अच्छी करी है, स्पेशली जो ज्वेलर्स वगैरह है उन्होंने तो बहुत पैसा खर्च करा है ज्वेलर्स। वाओ, बहुत प्यारी लग रही है यहाँ की भी। एंड ये काजू बादाम वाले इन्होंने भी बहुत अच्छी कर रखी है। एसकेजी ज्वेलर्स ये बहुत ही अच्छी करते हैं, हर साल अच्छी करते हैं। तो मतलब कुल मिला के ये है कि जो ज्वेलर्स वगैरह करते हैं बहुत ही अच्छी रोशनी करते हैं। सोनी ने लास्ट टाइम गाइज मोती सन्स ने बहुत ही अच्छी करी, इस बार बहुत प्यारी लग रही है मोती। गाइज अभी आ गए हैं रिलायंस, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था ग्रोसरी का कुछ सामान वगैरह लेना है। चलिए अब चलते स्मार्ट बाजार। चलो कार पार्किंग की जगह एक कार की है, अच्छे से हो जाएगी, दिक्कत नहीं होगी गाइस हमें। छोटी दिवाली लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, आवाज आ रही है क्रैकर्स की। अच्छा दीपक वगैरह स्टाइलिस्ट हैं ये।
ये भी है यहाँ पे कैंडल वाले, कैंडल वाले हैं ये। खैर यहाँ पे तो पूरा वही है, ये पूरा दिवाली के लिए है सारा। मिठाई वगैरह बादाम वगैरह रख लेना। ये सुहाना इतने सारे कैसे लिए मसाला? तीन अमूल का पिछली बार कौन सा लेके गए थे? नहीं नहीं ये तो नहीं था, डब्बे में। हाँ अमूल का एक वाला है गाय का घी। हाँ ये अच्छा था ये वाला, अननेसेसरली नहीं। क्या पसंद आ गया बंसा आपको? तबीयत कैसी है? बिल्कुल सही नहीं है यहाँ की, तो पेट में दर्द हो रहा है। आराम से क्या करें, आराम आराम से आओगे। गाइज यहाँ पर ये बहुत प्रीटी सी डॉल दोनों बहन भाई, तो ये गुड़िया मुझे बहुत ही प्यारी लगी, बार बार देख रही थी तो मैंने सोचा इसकी वीडियो बनाते हैं। और इसकी ब्लू आईज है, बहुत ही क्यूट लग रही है, ऐसे लग रहा है कि हद कर ले इसके। वाओ बहुत सारे पटाखे नहीं लिए क्या? तो गाइज अभी चंद सब बिल वगैरह करवा रहे हैं। अच्छा है जल्दी नंबर आ गए। बाय बाय। कौन सा है इनको कार में रख रहे हैं, कैरी बैग। तो गाइस अभी दिए वगैरह लेने आए हैं तो भी चलते हैं। ये वाले ले लो, नेचुरल नेचुरल होता, ओरिजिनल ओरिजिनल दीपक की होड़ नहीं होती। बड़ा वाला थोड़ी लेना है, पड़े नहीं बड़े वाले पड़े। फाइनली घर पे आ गए, और घर पे आते ही इसकी तो थोड़ी तबीयत नाजुकी हो रही है, तो ये तो रेस्ट कर रही है। हाँ भाई हंस रही है या तबीयत खराब है? पेट में दर्द हो रहा है तो मैं तो सो गई यार, बस की नहीं है, पता नहीं क्यों हो रहा है ऐसा। कल वापस दिखाती हूँ, कल पता नहीं डॉक्टर मिलेंगे भी नहीं। तो कुछ खाने के लिए खाना वगैरह बना हुआ है या? आपको पता है मैं जब सही रहती हूँ तो मैं किसी को बोलती भी नहीं हूँ, मेरा बना लेती हूँ, लेकिन आज थोड़ी सी सच में क्या मेरे को हेल्प करनी पड़ेगी क्या? पेट में दर्द हो रहा है, ये फूड पॉइजन से हो रहा है, पता नहीं किससे हो रहा है, खिचड़ी विचड़ी, मेरे को तो भूख भी नहीं है, कुछ भी खा लूंगी मैं तो। और हम कोरियन मैगी नहीं यार, डंका खाओ, मैं खा के कैसे हो गई। सो गाइज आप सबको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं, आप सभी अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें, बिकॉज अभी थोड़ा वायरल भी फैल रहा है और मौसम भी ऐसा है चेंज हो रहा है, तो बच्चों का भी ध्यान रखें। एंड हैप्पी दिवाली टू ऑल फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए खम्मा गणेशा, जय श्री कृष्णा, बाय बाय।